हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो? सो मैं इस बार आपको बताने वाला कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग जिसमें आपको दिख रहा होगा ड्यूल टोन एडिटिंग कॉन्सेप्ट होना है। मतलब एक तरफ रेड हमारा स्मोक है और एक तरफ हमारा ब्लू स्मोक है। सो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जो कि हम करेंगे पिक्सार्ट के अंदर एंड लाइटरूम के अंदर। सो इस तरह की एडिट सीखने का आपको पूरी वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा। अगर आप स्किप कर देंगे वीडियो को तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुई। सो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सो यहाँ पे मैं अपनी फोटो को यानी पिक्सार्ट में ये बैकग्राउंड आपको ऐड कर लेना है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है और उसको ऐड करना है। सिंपली अब मैं दिखाता हूँ आपको ऐड फोटो में जाके कि आपको किस टाइप की फोटो क्लिक करनी है। सो मैंने यहाँ पर फोटो दिखा रहा हूँ आपको, कुछ इस तरह की फ़ोटो क्लिक करा लेनी है। सो यहाँ पे मैंने इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी कट कर लिया है, तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली से ऐड कर लूँगा। और आपको नहीं पता बैकग्राउंड कट कैसे करते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पता चल जाएगा। वीडियो है बैकग्राउंड कट की, सो पता चल जाएगा कैसे कट करते हैं। सो अपनी इसको यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इरेजर में जाऊँगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट आया जो मुझसे थोड़ा सा गलती हुई थी इरेज करने में, सो इसको मैं इरेज कर लूँगा। देन यहाँ से सिंपली डन कर देंगे। सो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अब यहाँ से जाएंगे हम ऐड फोटो पे। सो ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको ये वाली स्मोक का पीएनजी है, एक तरफ ब्लू एंड रेड है जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है। सिंपली इसको ऐड कर लेना है आपको, ठीक है। देन इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। सो उसके बाद यहाँ से डन कर लेंगे। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो ब्लैक हमने जैकेट से पहन रखी है इस पर हम मतलब इसमें एक टोन देंगे, बढ़िया से ओवर ले देंगे। सिंपली हम एडजस्ट टूल पे जाएंगे, देन इसकी ब्राइटनेस कम कर देंगे यहाँ से। देन इरेजर टूल पे जाएंगे, देन इसको इन्वर्स करके यहाँ से पेंसिल का साइज सेलेक्ट कर लेंगे नीचे से, और जैकेट के ऊपर से हम इसमें ब्लैक पेंसिल कर देंगे एंड थोड़ा सा हेयर पे भी कर देंगे। सो सिंपली अब यहाँ से डन कर दूंगा मैं। देन इसको एडजस्ट कर लूँगा इसके बाद, और शेडो इसकी कम कर दूँगा एंड कॉन्ट्रास्ट इसकी बढ़ा दूँगा। एंड गाइस यहाँ से इसे डन कर देंगे। सो अब हमारी एडिटिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है, पिक्सार्ट का काम सारा खत्म हो चुका है। अब सिंपली क्या करेंगे, ड्रॉपलो में आएंगे, फोटो को पिक्सार्ट के अंदर से HD में सेव कर लेंगे। और HD में सेव करने का मतलब मैं इस फोटो को मतलब लाइट रूम में ओपन करता हूँ। सो लाइटर में फोटो हमारी आ चुकी है, अब इसे हम सिंपली से बढ़िया से एडिट करते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका एक्सपोजर बढ़ा दूंगा एंड पहले मैं इसका कॉन्ट्रास्ट कम कर दूंगा, हल्का सा 9 कर दूंगा, ठीक है। एंड हाईलाइट बढ़ा दूंगा एंड शेडो बढ़ा के वाइट मतलब ब्लैक कम कर दूंगा। एंड वाइट देख लेता हूँ मैं इसकी, मतलब बढ़ा के अच्छी लगे तो मैं इसकी हर लिटिल बिट बढ़ा दूंगा। देन मैं जाऊँगा फेस कलर जो कि ऑरेंज है, इसकी सैचुरेशन कम कर दूंगा। बट इससे पहले मैं रेड की सैचुरेशन कम कर थोड़ी सी बढ़ाएंगे इसकी, एंड ल्यूमिनस भी बढ़ा देंगे। सो आप फेस कलर पे जाएंगे, इसकी ल्यूमिनस हल्की सी बढ़ाएंगे, येलो की -100 सैचुरेशन, ग्रीन की भी, और इसकी ल्यूमिनस बढ़ा देंगे एंड येलो की भी इस तरीके से ल्यूमिनस फुल कर देंगे। सो ब्लू कलर को मैं हल्का फुल का सा यहाँ से छेड़ के देख लेता हूँ। सो डन करने के बाद यहाँ से टेम्परेचर इस फोटो का थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड इसके बाद इसका टिंट भी हम बढ़ा देंगे, मैंने सोचा तो बेकार लग रहा है, इसको प्लस कर देंगे, विब्रेंस बढ़ा देंगे फोटो के अंदर का, और सैचुरेशन मैं इसकी हल्की से बढ़ा दूंगा। फोटो के अंदर आप क्लियरिटी बढ़ा देंगे, डीएस कर देंगे एंड विग्नेट हल्का फुल्का सा छेड़ देंगे इसका। सो इसके बाद मैं अब जाऊंगा यहाँ से सीधा स्प्लिट टोन में। सो यहाँ से मैं हाईलाइट का कलर यहाँ से आप कुछ भी दे सकते हैं अपने फोटो के हिसाब से। सो मैं यहाँ से इसे ब्लू इफेक्ट दे रहा हूँ एंड शेडो कलर मैं यहाँ से थोड़ा रेड टोन में दूंगा, मतलब ऑरेंज टोन में दूंगा यहाँ से। देन इसके बाद मैं यहाँ से इसको डन कर दूंगा। सो अब हमारी फोटो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। सो इसमें ग्रीन अमाउंट बढ़ा देंगे एंड शार्पनिंग बढ़ा देंगे फोटो के अंदर की एंड उसके अंदर नॉइस रिडक्शन। सो मैं चलता हूँ यहाँ से कर्व टूल में। सो कर्व टूल में यहाँ पे मैं शेडो एंड हाईलाइट को थोड़ा सा मैनेज करूँगा। आप जरूर से अपनी फोटो एडिटिंग का जब भी करें तो इसको जरूर छेड़ें, इससे फोटो में एक अच्छा सा इफेक्ट आता है। सो इसके बाद मैं यहाँ से करूँगा सिलेक्टेड टूल पे जाऊँगा, सिंपली यहाँ से मैं सर्कल चूज करूँगा, फेस पे मार दूंगा इसको मैं ताकि हमारा फेस ग्लो करे। सो इसकी एक्सपोजर बढ़ा दूँगा यहाँ से। सो अब मैं मारूँगा यहाँ से ग्रेडियंट नीचे की साइड से एंड इसका एक्सपोजर यहाँ से कम कर दूँगा इस तरीके से, ओके। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से पेंसिल पे जाऊँगा, देन हेयर पे थोड़ा सा इसमें ब्लैक नहीं आ रहा तो इसको ब्लैक कर दूँगा हल्का सा। देन यहाँ से सिंपली कुछ नहीं करना, अब यहाँ से मैं डन कर दूँगा।
सो अब मैं इसका हल्का सा फोटो का यहाँ पे मैं इसको कॉन्ट्रास्ट मतलब शेडो बढ़ाऊंगा, हाईलाइट बढ़ा दूंगा एंड वाइट भी इसका बढ़ा दूंगा, अच्छा लग रहा है इससे, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दूंगा। ओके एक्सपोजर हल्का सा बढ़ाएंगे एंड देन हमारी फोटो हमारी पहला कंप्लीट हो चुकी है। सो मैं आपको दिखाता हूँ इसका बिफोर, हमारे पिक्सेल में कुछ इस तरीके था, फोटो एकदम मैच नहीं कर रही बैकग्राउंड से, मतलब एडिट हो गई थी लेकिन अच्छी नहीं लग रही थी एंड पिक्सेल मतलब लाइट रूम में हमने कलर ग्रेडिंग करी। सो इसका आफ्टर फोटो आप देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है एंड फोटो भी हमारे बैकग्राउंड से पूरी मैच कर रही है प्रॉपर तरीके से एंड आप देख सकते हैं फेस भी ग्लो कर रहा है एंड फोटो एकदम मस्त लग रही है। सो देखिए बिफोर एंड आफ्टर, सो गाइस बिफोर आफ्टर हमारी फोटो एडिटिंग जैसे भी मतलब मस्त लग रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। सो आप भी इस तरह की फोटो एडिटिंग कर सकते हैं इन्हीं स्टेप को फॉलो करके जो जो मैंने बताया। सो बाकी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना, और आपने इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक दे रखी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड गाइस अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय।